एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पर्सन के एनर्जी। यहां पे मैं आपके पर्सन के हाई एनर्जीज़ को भी देखूंगा, लो एनर्जीज़ को भी देखूंगा और वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। एंड तक देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। सारे ज़ोडियक साइन के लिए ये वीडियो अप्लीकेबल है एंड टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो जो जो चीज़ रेजोनेट करे, जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना पार्ट ही आप सिर्फ ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। आई कुड फील कि आप एक नर्वसनेस लेके ये रीडिंग को देख रहे हो, सो नर्वस मत हो जाइए। काइंड ऑफ मैं फील कर पा रहा हूँ आपके नर्वसनेस, आई डोंट नो व्हाई, बट प्लीज डोंट बी नर्वस। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापा हरि, धर्म कामर्थ मुखदे देवी, नारायणी नमस्ते। माँ प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के जो फीलिंग्स है वो बताइए, उनके हाई एनर्जीज क्या है। ओके, फोर ऑफ शोर्ड्स, दे आर टेकिंग अ ब्रेक मे बी। विल ऑफ फॉर्चून, ओके, जजमेंट, नाउ आई एम गेटिंग इट। And what judgment of competition, okay. Now low energies, page of cups, okay, that's good. King of cups, okay. Ten of shows. Now what kind of train of shows or what is going to be the conclusion? Okay, eight of shows. So now it's a clear cut sign ke dekhiye aapke jo person hai ye aapke sath baat nahi karna cha rahe hai is time pe, ye psychological block create kar rahe hai। koi Gemini, Libra, Aquarius ho sakta hai aur Cancer, Scorpio, Pisces ho sakte hai। आई कुड से कि हो सकता है कि ये एरीज लियो सेजिटेरियस भी है। नाउ द थिंग इज कि ये पर्सन बात नहीं कर रहे, बट ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। लाइक दे आर अबाउट टू टेक अ डिसीशंस। क्या डिसीशंस है ये डिसीशंस? ये पहले से कुछ प्रिपेयर कर रहे थे। ओके, क्या प्रिपेयर कर रहे थे? ये पर्सन कोई नए पर्सन के साथ बात कर रहे थे। पेज ऑफ कप्स मतलब कोई नए पर्सन के साथ बात कर रहे थे, या फिर बैकअप प्लान बना रहे थे, या फिर कोई अल्टरनेटिव फैमिली पर्सन के साथ बात कर रहे थे। नाउ पेज ऑफ कप्स मतलब क्या है कि जो लोग इमैच्योर डिसीशंस लेते हैं, सो काइंड ऑफ इस पर्सन के इमैच्योरिटी के वजह से ये आपके साथ बात ना करके किसी और पर्सन के साथ बात कर रहे थे। नाउ किंग ऑफ कप्स मीन्स कई कबार क्या होता है कि इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाते हैं। सो जहाँ पे इस पर्सन को अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बारे में फोकस करना चाहिए, जहाँ पे इस पर्सन को अपने रिलेशनशिप के चेंज के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ पे ये पर्सन चुपचाप बैठ के मज़े देख रहे हैं। लाइक ये इनको पता है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत हो रहा है, इनके बावजूद भी ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि तड़पाना चाहते ही है ये, एक एक ये अजीब किस्म के एनर्जी है कि मैं बदल गया हूँ, आई नो कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं खुद को और रोक नहीं सकता हूँ। वेल, मैं चेंज हो चुका हूँ, काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी। वेल, क्यों चेंज हो चुके हैं ये? वेल राइट नाउ ये मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनल पर्सन है और ये पर्सन शांत स्वभाव के है, बट जब बात आ जाते हैं कि इनके रेस्ट्रिक्शंस के, तब एक अलग रियलिटी डिस्कवर हो जाते हैं। वेल, अक्सर क्या करते हैं कि ये पर्सन जो इमेज बिल्ड किया है ना, उस इमेज में आप इस पर्सन को एक एज अ स्पिरिचुअल पर्सन ही देखोगे, एज एन ऑनेस्ट पर्सन ही देखोगे और आपको आइडिया होगा कि ये पर्सन कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, कभी किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते, कभी चीट नहीं कर सकते। बट ये पर्सन हो सकता है पैसे के लालच पे, या फिर अपने ज़िंदगी के लालच पे, या फिर कुछ अच्छे यू नो
ऑप्शंस के लालच पे ये पर्सन किसी के साथ बात किए एंड इसके वजह से ये आपको ब्लॉक कर दिए, बात नहीं किए, हाइड किए, छुपाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन हैज इग्नोर्ड यू बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग्स। नाउ ये पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आपके साथ ये कंपिटिटिव हो रहे हैं, लाइक आप बात नहीं कर रहे हो तो मैं भी बात नहीं करूंगा, आप बात करोगे तो मैं भी बात करूंगा। बट आई थिंक ये आप के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए या फिर आपको दिखाने के लिए किसी पर्सन को यूज किया है। वेल, दिस पर्सन इज राइट नाउ थिंकिंग अबाउट देयर बैड कर्मा। सो नाउ क्या है, जब ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहा था या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक टेम्पररी ब्रेकअप चल रहा था या फिर आपके एब्सेंस में या फिर जब ये पर्सन आपसे अलग रह रहे थे या फिर कहीं पे गए थे, वहाँ पे जाके टेम्पररी किसी पर्सन के साथ ये बात करना स्टार्ट किया सिर्फ आपको जेलस फील करवाने के लिए या फिर इनके मन में कुछ शक था कि शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है या फिर आप अपने दोस्तों के साथ इतने खुश रहते हो तो ये क्यों नहीं रहेंगे, kind of ऐसे आपके साथ एक आपके जैसे बनने के लिए या फिर कंपिटिटिव बनने के लिए या फिर आपको जेलस फील करवाने के लिए या फिर एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस के लिए ये किसी पर्सन के साथ बात किए। एंड राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि ये काम गलत हुआ, राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि ये काम गलत हुआ क्योंकि ये पर्सन ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। सो लाइक दे आर नाउ रिग्रेटिंग कि वो बहुत गलत काम किए किसी और पर्सन के साथ बात करके एंड नाउ दे आर कटिंग समवन ऑफ फ्रॉम देयर लाइफ। सो नाउ ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि ये और किसी भी पर्सन के पास नहीं जाएंगे। नाउ ये पर्सन को समय लगा बहुत ज़्यादा क्योंकि दे आर कटिंग एवरी वन आउट, बट ये पर्सन को डर है कि आप इनको छोड़ ना दो। ओके, बात आ जाता है टग ऑफ वॉर के और इनको लग रहा था कि ये जो करे सही करे, आप यही डिजर्व कर सकते हो, काइंड ऑफ बहुत ज्यादा गुस्से में थे ये आप, और ये आपको दिखाने के लिए, आपको पनिश करने के लिए ये काइंड ऑफ किसी दूसरे पर्सन के साथ बात किए, कैजुअल बात किए। उसके बाद ये काइंड ऑफ ये इसको लगा कि नहीं, असल में आप तो इसको बहुत प्यार करते हो, आप तो बहुत लॉयल हो, आप तो इस रिलेशनशिप पे ग्रो करना चाहते हो। इनको लगा था कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो। सो नाउ दे आर डिसाइडिंग कि इनको सारे थर्ड पार्टीज को कट ऑफ करनी है, सारे नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करनी है एंड नाउ दे आर डिसाइडिंग कि इनके फैमिली मेम्बर्स के बात ये नहीं सुनेंगे। लाइक ये लोग डिसाइड कर रहे कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स इनको उकसा रहे थे, इनके फ्रेंड्स इनको उकसा रहे थे, इनको गलत सलाह दे रहे थे, नाउ दे आर डिसाइडिंग कि नहीं, बहुत हो गया सब कुछ, मेरे को ये सबसे बाहर निकलना है। सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही डिप्रेस किस्म के पर्सन इस टाइम पे है आपके पर्सन, क्योंकि वो कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे डिसीशंस लिए हैं जो ये कभी नहीं लेंगे, जो ये कभी नहीं लेते, बट आउट ऑफ द वे जाके ये कुछ ऐसे किए हैं। या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि बहुत दिनों के बाद ये स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग किए है या फिर बहुत या फिर दोस्तों के बहकाने में आके कहीं पे चले गए, गलत काम किए एंड नाउ दे आर सेइंग कि क्यों मैंने किया। सो नाउ दे आर पछतावा, मतलब ये लोग पछता रहे हैं और एट ऑफ शोर्ट्स मतलब इनके अंदर में एक डर है। ये आपके सामने पूरी चीज़ क्लियर करके नहीं बोल पा रहे बट ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं या डिप्रेस्ड है एंड नाउ ये बिजी दिखा रहे हैं, ये अपने अंदर के टेंशन्स, अपने अंदर के गिल्ट को आपके सामने नहीं लेके आ पा रहे तो ये खुद को बिजी दिखा रहे हैं या फिर ये आपके साथ कंपिटिटिव होके बिहेव कर रहे हैं। लाइक ओके, आप मैसेज करोगे तो ही मैं मैसेज करूँगा, आप नहीं मैसेज करोगे तो नहीं मैसेज करूँगा, आपको मैं बोलने का मौका नहीं दूंगा, आप जो बोल रहे हो मैं सुनूंगा नहीं, बट दे आर डीप इन इनसाइड
वरीड, ये भाव तो नहीं दे रहे बट दे आर वरीड डीप इन इनसाइड, दे आर वरीड. What is the underlying issue? Page of Wands. Okay. क्यों हुआ ऐसा? Queen of Pentacles. Okay. The Devil. I think यहाँ पे बात आ गया है कि पता है कि empty mind is devil's paradise. ये हम सुनते हैं, इनका भी वही हुआ था कि पैसा या फिर पावर या फिर क्या होता है कि कई कबार सेक्सुअल अर्जेस इनको कुछ खराब डिप्रेसिव सोचने में मजबूर कर दिए है. लाइक इनको पता है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो डिजर्व भी नहीं करते इनको, उसके बावजूद भी उनके साथ जाके बात किए. इनको पता है कि दे आर वे बियॉन्ड ब्यूटिफुल. लाइक इन लोगों को खुद पता है कि ये सिचुएशन से ये कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, ये सिचुएशन से ये कहीं ज़्यादा पावरफुल है. बट कहीं ना कहीं इम्पेशेंस होके ये बहक गए, इंपल्सिव डिसीशंस ले लिए. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये भी है, हो सकता है कि ये इमोशनली सेटिस्फाई नहीं थे, फिजिकली सेटिस्फाई नहीं थे, तो काइंड ऑफ इनको लग रहा था कि किसी ऐसे के साथ बात करके इनको सेटिस्फेक्शंस मिलेंगे. बट इनको ये नहीं पता था कि एक नेगेटिव एनर्जी इनके साथ जुड़ जा रहा है. सो काइंड ऑफ दे आर द हिडन इन्फ्लुएंस वाज अ डेविलिश एनर्जी, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि ये इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं थे आपके साथ. सो दैट्स व्हाई दे काइंड ऑफ टुक द शॉर्टकट, या फिर दे कैजुअली टॉक टू समवन एंड दे डिड समथिंग रॉन्ग. फाइनल आउटकम क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या रेजोल्यूशंस बाहर निकल के आ रहा है? ओह टेम्परेंस, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. एट ऑफ वांड्स, ये मैसेज करेंगे आपको, ये जो टेम्पररी पॉज है ये ठीक हो जाएगा. कहना आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि टेम्परेंस का मतलब ये भी है कि कोई पर्सन अपने गलतियों को स्वीकार करेंगे, रीच आउट करेंगे. लेट्स सी यहाँ पे कोई क्या ओरेकल मैसेज आपको मिल रहा है. बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. ओके, चीज़ें क्या हो रहा था आप दोनों के बीच में, प्लीज़ ऑनेस्टली सोचिए. मॉर्निंग, द वर्ल्ड awaits you. ये कार्ड कल भी आया था. Oh, the shark. Swim away from this situation. I think आप जिस situations को लेके इतना ज़्यादा डर रहे हो ना, ये situations एक मामूली सा situations है. आप अपने दिमाग के अंदर एक story बना रहे हो. Okay, ये story जो आप बना रहे हो, आई थिंक इन्हीं के वजह से आप इतना ज़्यादा दुश्चिंता कर रहे हो. राइट नाउ द थिंग इज, आप ऑनेस्टली सोचिए सिचुएशंस क्या था और आप क्या सोच रहे हो. ओके, काइंड ऑफ कुछ चीज़ ऐसे है कि जो आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपना गलतियों को, और आप अपने एंग्जाइटी को इंट्यूशंस का नाम दे रहे हो. मतलब क्या है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा था नेगेटिव. हो सकता है कि आप इमोशनली फुलफिल नहीं थे, बट वो नहीं बोल पा रहे थे, और अचानक एक आउटबर्स्ट हुआ. और जब भी आउटबर्स्ट हुआ, तब जाके या वो पर्सन आपको गाली गलौज कर रहे हैं, या फिर टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप उनको टारगेट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो. बट
दोनों ही ऑनेस्ट नहीं हो अपने नरेशंस में, लाइक दोनों के जो स्टोरी है दोनों ही डिसऑनेस्ट हो, लाइक आप अपने तरीके से स्टोरीज को देख रहे हो, वो उनके तरीके से स्टोरीज को देख रहे हैं. बी मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू. सो कुछ चीज ना बार बार मत सोचिए, बार बार मत देखिए, बार बार मत डिस्कस कीजिए, कुछ चीज को छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक कैजुअल इंसिडेंट होके निकल जाएगा. सो द मॉर्निंग अवेट्स यू मतलब अरे इस चीज़ को खत्म करो और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करो, नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रिपेयर करो, नेक्स्ट स्टोरीज के लिए प्रिपेयर करो, एंड द स्वीम अवे फ्रॉम द सिचुएशंस. लाइक व्हाई दिस थिंग्स आर बॉदरिंग यू. लाइक ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस काइंड ऑफ हो सकते हैं कि आप अपने नेगेटिविटी के साथ ये सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए इतना भयंकर आ रहे. बट राइट नाउ यू जस्ट लाइक योर एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स, माँ काली, योर यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू के गेट ओवर इट. हटाओ इस सिचुएशन को, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि क्या हुआ था और क्यों आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो. यू डोंट नीड टू थिंक, यू डोंट नीड टू एक्सप्लोर, यू डोंट नीड टू एलाबोरेट, यू जस्ट नीड टू गेट ऑन विद इट. लाइक हो गया, नर्वसनेस जो था ये नर्वसनेस को हटाइए, क्योंकि ये कैजुअल इंसिडेंट ही होगा, फ्यूचर में इसका कुछ इफेक्ट्स नहीं होगा. छेड़खानी मत करो कि आपने क्यों ऐसा बोला, आपने क्यों ऐसा किया. प्लीज डोंट ब्रिंग दैट टॉपिक, रैदर टॉपिक को डिस्कर्ड कीजिए एंड आगे बढ़िए. काइंड ऑफ बी ऑनेस्ट कि आप एक ऐसा चीज़ सोचिए कि अगर आप सेम सिचुएशंस पे रहते तो कितना कुछ कर सकते थे, और काइंड ऑफ ऐसे सोचिए कि क्या सच में आपके हाथ में सब कुछ है. सो लाइक बी मैच्योर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, लाइक क्या हुआ एक्चुअल में, आप दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, और क्यों आप इतना ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, क्यों आप इतना ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, इनका एक प्रॉपर कॉज आप ढूंढिए एंड रेस्ट लीजिए. जब आप रेस्ट लोगे, जब आप इस इश्यूज़ को लेट गो करोगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने रेजोल्यूशंस आ जाएगा. सो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से कि डोंट जस्ट ब्रूड, डोंट जस्ट एलाबोरेट, डोंट जस्ट सीक एनी अदर क्लू, रेदर क्लोज दिस चैप्टर एंड मूव अहेड. ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट. आपको एक रेजोल्यूशंस मिल जाएगा विद इन 1 to 4 hours या फिर विद इन 14 hours. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा डिवाइन सॉल्यूशन एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन. जय माँ काली, जय माँ कुरुकुला. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ, तो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई चैनल मेंबरशिप. बाय बाय.